हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे आपने देखा कि हमने कुछ दिनों से रिकॉर्ड किया है, तो अब हम उसमें हम ज़्यादा एडिटिंग नहीं करेंगे, बस सिंपल एक एडिटिंग मारेंगे और उसको एक्सपोर्ट करके हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रो टूल को खोल लेते हैं फिर से। तो ये जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है अभी कुछ दिनों से इसको हमने रिकॉर्ड किया, तो इसको हम सिंपली ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग आ गई, तो प्ले करके देखते हैं। तो हमें इसमें हम आपको सिंपल सी एडिटिंग करके दिखाते हैं जो सब करते हैं। तो हम इसको सबसे पहले ट्रिम टूल से जाके जो एक्स्ट्रा कट है उसको हम हटा देते हैं। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, सिर्फ सिंगिंग वाले पार्ट को रखते हैं। इस पार्ट की भी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले पीच में क्लिक करते हैं, बीच में क्लिक करके इसमें आता है एक ट्रिम का सेपरेट। सेपरेट करने के बाद इसको थोड़ा सा इधर स्लाइड करिए जहाँ तक कि सॉन्ग दिख रहा है। सेम इसी तरह इसको भी यहाँ पे इसको आप यहां से जूम भी कर सकती हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से। मेरे को ज़रूरत नहीं इतना, तो मैंने इतना ही रखा है। इतना ठीक है। तो अभी हम इसमें एक छोटा सा इफेक्ट डालते हैं। प्लगइन में जाके यहाँ पे इंसर्ट में जाके इसमें जाके प्लगइन में जाके डायनेमिक्स में जाके स्ट्रिप मोनो में जाएंगे। इसमें हमारे पास ये खुलेगा। इसमें कुछ नहीं, हमको सबसे पहले जो सबसे बड़ी वाली जो डाइल है इसमें रेशो जिसमें लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा यहाँ तक लाएंगे। ये एक्चुअली करता है गाने में जो हाई और मिड्स हैं और लोअर्स हैं इनको काफ़ी हद तक इक्वल कर देगा, मतलब कहीं पे एक्स्ट्रा साउंड मतलब नहीं लगेगा। उसमें प्ले करते हैं रियल टाइम पे। यहाँ तक थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। इस गाने में ट्रेबल ज़्यादा, तो हम ट्रेबल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। इसको सिंपली क्लोज करते हैं यहाँ से। तो सिंपली क्लोज करने के बाद एक दूसरा इफेक्ट डालते हैं जो हल्का सा रिवर्ब डालेगा। रिवर्ब में जाके इसमें भी जा सकते हैं आप। यहाँ से कम करके बहुत कम कर देंगे इसका इफेक्ट, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। यहाँ से गेन कर देंगे, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ जाएगी और सिंपली क्लोज करते हैं सारे इफेक्ट।
टेम्पलेट को क्लोज करते हैं और सारे इफेक्ट इसमें अप्लाई हो चुके हैं, बस इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा हम आपको अगली वीडियोस में बताएंगे। तो अब हम इसमें सिंपली इसको कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं इन केस अगर ये गलती से हैंग हो गया या फिर आपका कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ गई तो आपको ये सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो इसको एक बार सेव करने के बाद फाइल में जाने के बाद बाउंस करेंगे। इसमें कहीं एक्सपोर्ट में आपको इतना ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये आपको इसका तरीका यही है कि आपको उसको बाउंस करना है, बाउंस टू डिस्क करना है। अब डिस्क में यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें आपको सिंपली जो है ये सही है HD ऑडियो में आउटपुट में, क्योंकि इसको साउंड कार्ड चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए भी, इसको साउंड कार्ड चाहिए क्योंकि प्ले करके एक्सपोर्ट करेगा। तो उससे पहले हम एक और काम करते हैं, हमको यहाँ तक वीडियो चाहिए तो हम इसको यहीं तक ही वीडियो बनाते हैं, मतलब यहीं तक ही सॉरी यहाँ तक ही हम इसको ऑडियो रखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले राइट क्लिक सेपरेट और हम इस वाले पार्ट को हटा देते हैं इस वाले, तो बस हमारा जो सॉन्ग है वो यहीं से यहाँ तक ही है, सिंपल, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसके बाद हम इसको बाउंस करते हैं, डिस्क करते हैं, बाउंस टू डिस्क करने के ये सब कुछ सही है। ये MP3 पे करके देखते हैं, MP3 में लेता नहीं एक्चुअली, MP3 करने के बाद ये सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे मोनो मल्टीपल मोनो ये नहीं करना है, इसमें इंटरलिव्ड में जाना है और इसको बाउंस करना है। बाउंस करने के बाद यहाँ पे टाइटल आपको देना है कुछ दिनों से या कुछ भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको ओके का बटन दबाना है और ये आपका बाउंस होने लगेगा। पिछले वर्जन्स में ये MP3 में बाउंस डायरेक्ट नहीं होता था, इसको वेब में बाउंस होता था, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करना पड़ता था MP3 में। तो ये कहाँ बाउंस हुआ है, ये सी यूजर ये डॉक्यूमेंट में है, ठीक है। तो हम इसमें डॉक्यूमेंट में जाते हैं, यहाँ पे ये फाइल आ चुकी है बाउंस फाइल, यहाँ पे तो जैसे कि यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो जो है उसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।